Morning, children. Today in GK, we are going to fill chapter 20 that is related to our body. Okay, body quiz it is known as. इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स के हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में कुछ क्लूज दिए गए हैं. ओके, उन क्लूज को पढ़ के हमें ऑर्गन के नेम को फाइंड आउट करना है. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल. डू यू ऑल नो, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक वंडरफुल मशीन की तरह काम करता है, जिसमें छोटे 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 फंक्शंस हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमारे हमारे ऑर्गन्स हैं जो कि अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड लर्न अबाउट दोज पर्टिकुलर ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. ओके चिल्ड्रेन, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर वन. इवन वेन यू आर एट रेस्ट इट कीप्स बीटिंग अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट. मतलब जब आप रेस्ट पर हो, सो भी रहे हो, तब भी वो क्या करता है, एक मिनट में 70 टाइम्स बीट करता है. ओके, व्हाट इज दैट चिल्ड्रेन? इट इज हार्ट. ओके, HEART, हार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर टू. विदाउट ऑक्सीजन दीज स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट्स कांट प्रोड्यूस एनर्जी एंड दे क्विकली डाई. मतलब बिना ऑक्सीजन के क्या होता है, अगर इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता, ये बहुत ही छोटे पार्ट होते हैं, लिविंग पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के, और वो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं बगैर ऑक्सीजन के, और वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं, मतलब डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं. सो व्हाट इज दैट? इट इज सेल्स चिल्ड्रेन, CELLS, सेल्स. ना क्वेश्चन नंबर थ्री. इट इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन. ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन में से एक है. ओके, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन. ये हमारे बॉडी को किसी भी डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है. एंड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. और हाँ बच्चों, वो डिहाइड्रेशन से भी हमें बचाने में हेल्प करता है. सो व्हाट इज दैट? इट इज आ स्किन, SKIN, स्किन चिल्ड्रेन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर. दीज आर फ्लेक्सीबल ट्यूब्स through which the blood flows around our body through the circulatory system. Means ये एक flexible tube है जो कि twist भी कर सकता है, fold भी हो जाता है कभी कभी. Okay, stretch भी कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे flexible कहते हैं. ये एक flexible tube की तरह है, दिखता है हमारे body में, और इसका क्या काम होता है, ये पूरे body में throughout the body blood को flow करता है. Okay, with the help of the circulatory system. What is that? It is blood vessels children, BLLOD, blood, VESSELS, vessels, blood vessels children. Now let's move on to question number 5. It is a small pear shaped sac attached to the underside of the liver. Means ये एक छोटा सा पियर के शेप का होता है, और उसके ऊपर से एक सैक जैसा अटैच रहता है. और वो कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में? हमारे बॉडी में वो लिवर के ठीक नीचे रहता है. ओके, छोटा सा एक ऑर्गन रहता है. उसका क्या काम होता है? उस ऑर्गन का काम होता है बच्चों कि उसके अंदर एक केमिकल या एसिड आप कह सकते हो, हमारे बॉडी में जो जनरेट होता है, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में वो हेल्प करता है. So, what is that? It is gallbladder, children. See, it stores and concentrates bile until it is discharged via bile duct. Okay? It is gallbladder, children. G-A-L-L, gall, B-L-A-D-D-E-R, bladder, gallbladder. Now, next question number 6. Along with the spinal cord ke saath mein, ye hamare pure central nervous system ko control karta hai. Okay? और क्या करता है? और ये कभी कभी हमारे, इट कंट्रोल्स मोस्ट एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी. ये हमारे बॉडी के हर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है. लाइक अगर आपको कोई काम है, या आप मान लो एग्जांपल ले लो कि अभी आपको प्यास लग रही है, ठीक है, मुंह सूख रहा है आपका, बट आपको पता नहीं कि पानी, तो तुरंत आपका ब्रेन आपको अलर्ट करेगा, यस यू आर थर्स्टी, यू शुड हैव सम वाटर. तो वो कौन सा ऑर्गन है हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट? इट इज ब्रेन चिल्ड्रेन, BRAIN, ब्रेन. Now next question number 7 children. In the middle of this there are the iris and the pupil. Pupil, okay children. So ये क्या है? In the middle of this, जो ये organ है, इसके middle में क्या होता है? Iris होता है, pupil होता है. What is that children? It is our beautiful eye. Okay, with which we see everything in the world. Number 8. It mixes the food
टुगेदर टू गेट टुगेदर सो दैट गैस्ट्रिक जूसेस कैन ईजिली वर्क ऑन द फूड. मीन्स ये क्या करता है, जो भी द ऑर्गन इट मिक्सेस द फूड टुगेदर. ठीक है, ये फूड को टुगेदर मिक्स करता है सो दैट कुछ गैस्ट्रिक जूसेस जो होता है वो इजिली वर्क कर सके फूड के साथ. वॉट इज दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी? स्टमक चिल्ड्रेन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, STOMACH, स्टमक. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 9, इनसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर सेट्स ऑफ दीज. ये इनके पार्ट्स हैं, इनके सेट्स में आते हैं. इनसाइजर्स कहते हैं हम, कैनाइंस कहते हैं, प्रीमोलर्स कहते हैं एंड मोलर्स कहते हैं. चिल्ड्रेन जस्ट हैव अ गेस, इट्स नथिंग एल्स योर ब्यूटिफुल टीथ चिल्ड्रेन, TEETH, टीथ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. दीज लाइट एंड स्पॉन्जी ऑर्गन्स आर द मेन ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग. मीन्स ये जो लाइट और स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे बॉडी के मेन ऑर्गन्स होते हैं, ब्रीदिंग में हमें हेल्प करते हैं. ओके, जिससे हम सांस ले सकें. वो बहुत ही हल्के होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं. वॉट इज दैट? इट इज आर लंग्स चिल्ड्रेन, LUNGS, लंग्स. सी द पिक्चर इज प्रोवाइडेड ओवर हियर, इट लुक्स लाइक दिस. ओके, सो नेक्स्ट नंबर 11 चिल्ड्रेन, इट इज कॉल्ड द बॉडीज केमिकल फैक्ट्री. ये हमारे बॉडी का केमिकल फैक्ट्री कहलाता है. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी. हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है चिल्ड्रेन. ओके, सी द पिक्चर ऑफ दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड ओवर हियर, इट्स योर लिवर चिल्ड्रेन. ओके, सो आंसर विल बी लिवर, LIVER, लिवर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 चिल्ड्रेन, इट इज अ थिक स्ट्रिंग ऑफ नर्व टिश्यूज. ओके, ये एक थिक स्ट्रिंग नर्व टिश्यू है. इट रन्स डाउन द सेंटर ऑफ द स्पाइन. वो स्पाइन के सेंटर में नीचे की ओर जाता है. वॉट इज दैट चिल्ड्रेन? इट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड. ओके, SPINAL, स्पाइनल, CORD, कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड. ये हमें इरेक्ट रहने में, स्ट्रेट रहने में भी हेल्प करता है. ओके, द स्पाइनल कॉर्ड. सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आर बॉडी ऑल्सो यू गॉट टू लर्न टूडे, एंड वॉट आर देयर फंक्शंस. ओके, सो वॉट यू नीडेड टू डू, यू आर नीडेड टू फिल दिस चैप्टर विद द क्लूज. ओके, एंड आंसर्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, and with that even you are going to learn this chapter. Okay children, thank you.